गाइस देखो हमारे पास क्या है कि अब आपने पीछे का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अगर आप पीछे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हो तो आप आगे सीखने के लिए तैयार हो, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हमें पढ़ना है इंटीग्रेशन है, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा गाइस, हमें अगला जो टॉपिक पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करने का कितना तरीका होता है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन करने का आपके पास मेनली जो तीन आपके पास होता है, तीन तरीका होता है। कौन कौन सा होता है गाइस, जो आपके पास क्या होता है। पहला होता है सब्सिट्यूशन ना, इंटीग्रेशन बाय सब्सिट्यूशन। सेकंड होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट, पार्ट के द्वारा पार्ट करके अलग कर सॉल्व करना होता है। और थर्ड जो हमारे पास होता है इंटीग्रेशन बाय रेशनल अलजेब्रिक फंक्शन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। मतलब एक होता है सब्सिट्यूशन, एक होता है बाई पार्ट, एक होता है हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से इंटीग्रेशन को करना। हमारे चलो तीन तरीके का इंटीग्रेशन होता है। तो सब्सिट्यूशन भी आपका कई बार इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंट है। बाई पार्ट भी आपका इंपॉर्टेंट, और क्या इंपॉर्टेंट हमारे पास है, पार्शियल फ्रैक्शन से भी इंटीग्रेशन करना क्या इंपॉर्टेंट है। तो गाइस सीधे हम टॉपिक पे आते हैं। तो पहले पर हमें क्या पढ़ना होगा, इंटीग्रेशन बाई सब्सिट्यूशन। सब्सिट्यूशन से करके क्या करना है, हमें इंटीग्रेट करना है, ठीक है। जैसा कि नाम से पता है गाइस, सब्सिट्यूशन मतलब होता है किसी को हटा के दूसरे का आ जाना, वही यहाँ पे सब्सिट्यूशन होता है। और इसमें जो हमें सबसे पहला जो थ्योरम पढ़ना हो, क्या पढ़ना है, एफ ऑफ सॉरी इंटीग्रेशन ax प्लस बी की पावर n इंटू dx का जो इंटीग्रेशन हो कितना होता है, ax प्लस बी होल की पावर n प्लस वन अपॉन an+1। और यहाँ पे गाइस आपका लास्ट में क्या होना चाहिए, सी कॉन्स्टेंट लगाना जरूरी है, क्योंकि आप इनडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हो। अच्छा अब गाइज पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट हमारा क्या है कि आपको समझना क्या है। इस पहले आप गाइज ये फोकस करो कि यहाँ पे जो आपका लिखा है ये कैसा टर्म है भाई, ये एक लीनियर टर्म है, लीनियर एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन कैसा है, लीनियर, ठीक है। और आपको कहाँ फोकस करना है, यहाँ पे नीचे ज़रा देखो, ए को ध्यान देखना। जो लीनियर आपका एक्सप्रेशन है उसमें जो एक्स का कोफिशियंट है यहाँ पे, उसका हमने यहाँ पे क्या किया है, डिवाइड किया है। पहले हम इसको प्रूफ करते हैं सब्सिट्यूशन से, तो फिर हम आगे देखेंगे इसमें हो क्या रहा है। तो गाइस समझने वाली बात आप लोग समझना कि आपको है कि अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा हमें पता नहीं, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन कितना होगा पता नहीं, तो हमें हेल्प लेना पड़ेगा सब्सिट्यूशन। तो सब्सिट्यूशन कैसे करेंगे गाइस, जो इसके अंदर है ए एक्स प्लस बी, अब ए एक्स प्लस देखो सबसे पहले कि इसका क्यों नहीं हो सकता, देखो ध्यान से जो हमने फार्मूला पढ़ा है, ये फार्मूला पढ़ा है इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन और यहाँ पर होता है डी एक्स। तो इसका आंसर कितना आता है, एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1+c होता है। हमने ये फार्मूला पढ़ा है पहले से, लेकिन आज जो हमारे पास क्वेश्चन है, देखो गाइस देखो फार्मूला का अप्लाई होगा, अगर यहाँ पे एक्स लिखा है तो यहाँ भी एक्स लिखा होना चाहिए, अगर यहाँ पे एक्स है तो यहाँ भी एक्स होगा, तभी तो आप इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर पाओगे। आपके पास यहाँ पे तो ए एक्स प्लस बी है, अगर यहाँ पे भी ए एक्स प्लस बी रहता तब भी आप कह सकते थे कि राइट आंसर इतना आ सकता है, लेकिन आपका यहाँ पे तो जो यहाँ पे लिखा है वही यहाँ पे लिखा तो नहीं है, इसलिए आप इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। तो हमें सब्सटीट्यूशन करना पड़ेगा। हमें दिक्कत किससे है, ए एक्स प्लस बी से है। हमने क्या कर लिया, देखो सब्सटीट्यूशन कैसे करते हैं, लेट ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी। हमने ए एक्स प्लस बी को ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी कर लिया। दोनों तरफ गाइस क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन, दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर दो। तो यहाँ पर होगा ए एक्स प्लस बी हो जाएगा गाइस, यहाँ पर होगा डी टी बाई कितना हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पे गाइस कितना, ए एक्स का कितना हो जाएगा 1 और बी हमारा क्या है कॉन्स्टेंट, इसका 0 हो जाएगा। यहाँ पर होगा डी टी बाई कितना हो जाएगा, डी एक्स। तो गाइज हमारे पास यहाँ दो कितना आएगा, यहाँ पर आएगा ए इंटू एक्स डी एक्स, इधर कितना हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पर होगा डी टी। अच्छा इसको कब रोके, कब यहाँ पे रुकना है, हमेशा आप गाइज डी एक्स को अकेला बनाओ, डी एक्स हमारा इधर अकेला हो गया, इधर क्या हो गया डी टी वाई, क्या हमारे पास आ गया ए। हमेशा हर क्वेश्चन में मैं क्या करूँगा, इधर सिर्फ क्या बनाऊँगा डी एक्स। ऐसा क्यों करूँगा, क्योंकि मैं डी एक्स को क्या करना चाहता हूँ, हटा दूँगा, ठीक है। सब लोग क्या होगा, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जहाँ ए एक्स प्लस बी की पावर एन है, और हमने क्या माना है कि ए एक्स प्लस बी हमने क्या लिया है, टी करा, तो मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ, मैं इसको हटा के यहाँ पे क्या ले सकता हूँ, टी, और
और इसकी पावर टी की पावर अब कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा। और जहाँ पे डी एक्स है ना, जहाँ पे डी एक्स है वहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं गाइस, यहाँ देखो क्या हो सकता है, डी टी बाई ए हो जाएगा। अच्छा ए तो अपना बाहर निकल जाएगा, तो गाइस आपका कितना होगा, टी की पावर एन यहाँ पर हो जाएगा डी टी। अच्छा टी की पावर एन का गाइस इंटीग्रेशन हमारा कितना होता है, टी की पावर एन का इंटीग्रेशन हमारा होता है टी की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। अरे ऐसे ही तो हो गया ना गाइस, यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे एक्स है, अगर यहाँ पे टी है तो यहाँ भी टी है, तो आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन ऐसे कर सकते हो, बस जहाँ पे एक्स वहाँ पर टी कर देना। अच्छा अभी भी देखो क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में आपका था ए एक्स प्लस बी की पावर एन था देखो यहाँ पे, और आप आंसर किस में दे रहे हो, टी में दे रहे हो जो गलत है। आपको क्या करना पड़ेगा, वापस यहाँ से क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, बैक सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा कि टी की जगह आप क्या रखोगे, ए एक्स प्लस बी। तो रख दो गाइस अब कितना कितना हो जाएगा, आपके पास आएगा वन अपॉन ए, टी की जगह आएगा ए एक्स प्लस बी की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, और यहाँ पे क्या होगा प्लस सी। तो गाइस क्या हमें यही प्रूफ करना था, क्या प्रूफ करना था हमें कि ए एक्स प्लस बी की पावर एन प्लस वन अपॉन ए एन प्लस वन, और एन की वैल्यू माइनस वन नहीं होनी चाहिए। ठीक है अब हम इस पे क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस में करेंगे देखें। ठीक है तो यहाँ पे गाइज अब क्या करोगे, तो कैसे करना पड़ेगा, आपका लिखा है टू एक्स माइनस थ्री की पावर फाइव लिखा है, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो फिर आप फेल हो जाओगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला सीखे हो, क्या सीखे हो, एक्स की पावर एन, और यहाँ पे कितना होगा डी एस, इसका फॉर्मूला लिखो एन प्लस वन अपॉन एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, और ए एन आपका माइनस वन नहीं होना चाहिए, आपने यही फार्मूला सीखा है। लेकिन देखो ज़रा ध्यान से, यहाँ पर आपका एक्स है तो यहाँ भी आपका एक्स है, बट यहाँ देखो क्या है, यहाँ पर आपका एक्स है लेकिन यहाँ पर एक्स नहीं है, यहाँ पर क्या है टू एक्स माइनस थ्री है। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, हमें जुगाड़ लगाना पड़ेगा। जुगाड़ में हमें दिक्कत किससे, इस चीज़ से दिक्कत है, तो हमने इसको क्या कर लिया, हमने कर लिया लेट, यहाँ पे कितना हो गया टू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू, हमने क्या जिम कर लिया टी। अब दोनों साइड गाइस डिफरेंशिएशन कर देंगे, डिफरेंशिएशन करो दोनों साइड, तो डी बाई डी एक्स यहाँ पर होगा टू एक्स माइनस थ्री, इधर होगा डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा आपका सिंपल सा। यहाँ पे कितना होगा डी एक्स, इसका होगा टू, एक्स की जगह होगा वन, थ्री की जगह हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा डी टी बाई क्या हो जाएगा इस डी एक्स हो जाएगा। अच्छा अब ध्यान दोगे तो गाइस आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे होगा टू इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा डी टी। इसमें रुकना कहाँ है, जब तक कि आप डी एक्स को अकेला ना बना लो, आपका डी एक्स इधर अकेला बच गया, इधर क्या हो गया डी टी बाई क्या हो गया टू, इसका मतलब क्या हो गया आपका गाइस, यहाँ से आप क्या सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो। अब क्वेश्चन पे, क्वेश्चन में बदलेंगे क्या होगा, ये आपका था टू एक्स माइनस थ्री, टू एक्स माइनस थ्री को हम लोग क्या कर सकते हैं टी, तो हमारा कितना होगा टी की पावर फाइव हो जाएगा। अच्छा डी एक्स जगह क्या होगा, डी एक्स जगह कितना हमारा गाइस होगा, डी एक्स जगह हम लिख सकते हैं क्या डी टी बाई टू, तो यहाँ से गाइस हमारा वन बाई टू बाहर आ जाएगा, यहाँ पर होगा टी की पावर फाइव, यहाँ पर होगा डी टी। अब दोनों साइड गाइस क्या, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे फार्मूले डायरेक्ट, कि अगर यहाँ पर टी है, अगर यहाँ पर टी है तो यहाँ भी टी है, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कितना होगा, तो वन बाई टू यहाँ हो जाएगा टी की पावर में जुड़ जाएगा सिक्स हो जाएगा, और यहाँ पे सिक्स हो जाएगा प्लस सिक्स, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा टी की पावर सिक्स अपॉन ट्वेल्व प्लस सी। अच्छा टी की जगह कितना गाइस हम लिख सकते हैं, टी की जगह लिख सकते हैं हम कितना, हमने टी कितना माना है, टी माना है किसको टू एक्स माइनस थ्री को, टू एक्स माइनस थ्री को हमने टी माना है। मैं वापस यहाँ पाऊँगा तो मेरा यहाँ कितना होगा टू एक्स माइनस थ्री की पावर सिक्स अपॉन ट्वेल्व प्लस सी। इसका मतलब गाइस हमें समझ में आ रहा है कि क्या इसमें हो क्या रहा है, देखो ध्यान से ऊपर ज़रा देखो, ये वन बाई टू देख रहे हो ना, कि अगर आपका, इसका मतलब हमें समझ आना चाहिए कि एक चीज़ पक्का है कि जैसे आपको इसका इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट कर सकते हो, तो कैसे जैसे ऐसे करते हो, लेकिन बताते क्या करना है आपको, जो आपका एक्स का कोफिशियंट होगा उससे क्या करना पड़ेगा, नीचे क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा। आप सारे क्वेश्चन का आंसर कैसे दे सकते हो, डायरेक्ट दे सकते हो। देखो जैसे देखो गाइस इसी क्वेश्चन को आप कैसे डायरेक्ट कर सकते थे, कैसे कि आपका लिखा है टू एक्स माइनस थ्री की पावर फाइव लिखा हुआ, तो करना क्या है
कि सिर्फ आपको इसी क्वेश्चन को करने की स्टाइल क्या है कि आप 2x-3 को इसको पावर कर लो तो कितना होगा, 2x-3 पावर में जुड़ जाएगा, 5+1/5+1 आपका इतना हो गया। ये आपने किसका इंटीग्रेशन कर दिया, पावर वाले को हो गया। अब अंदर x का कोफिशिएंट कितना है, 2 है, तो 2 से क्या करो आप, डिवाइड मार दो। तो गाइज हमारे पास कितना यहाँ आंसर आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2x-3 की पावर 6/6×12 प्लस c, तो आपका ये आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन को कर